आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं घर से निकल रहा हूँ लालबाग के लिए। लालबाग लाइब्रेरी जाना है, वहाँ पे राहुल का बुक रिन्यू करना है। खांसी आ रहा है तो अभी जुकाम भी हुआ था, फिर आज थोड़ा बुखार भी था सुबह, तो फिलहाल तबीयत नहीं ठीक चल रहा है, तो इसलिए आप प्रॉपर ब्लॉग भी नहीं देख पा रहे होगे। तो अभी तो शाम को, आज थोड़ा ठीक लग रहा है तो अभी जा रहा हूँ लालबाग। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको मुंबई में, वैसे तो आपने देखा है फिर भी आज फिर से देखते हैं शाम को कैसा भीड़ भाड़ रहता है, ट्रैफिक कैसा रहता है। तो चलिए चलते हैं। ये देखो अभी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगा है, एकदम जैसे जैसे शाम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा भीड़ होते जाता है। तो अब ये वाले बस स्टॉप पे खड़ा हूँ, ये देखो आप ट्रैफिक लगना चालू हो गया यहाँ पे। मैं तो अभी बस स्टॉप के पास ही खड़ा हूँ, बस का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि 6:40 पे एक बार बस निकल गई ना। 6:40 पे तो 14 नंबर जाती है, 6 नंबर जाती है और 15 नंबर भी जाती है, लेकिन उससे थोड़ा भी लेट हुआ तो फिर आधे एक घंटे रुकना पड़ता है, कहीं बस स्टॉप पे खड़ा होकर वेट कर रहा हूँ। लेकिन अच्छी बात है, ये वाला बस देखो, ये वाला बस आ रहा है, ये वाला बस देखो आप, 6 नंबर का बस। मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ और ये 6 नंबर का बस आ रहा है, तो अच्छा है। 6 नंबर का बस डायरेक्ट मुझे लालबाग तक ले जाता है। पता नहीं क्यों मुझे 6 नंबर के बस में मज़ा भी आता है, क्योंकि 6 नंबर का बस एकदम नया वाला है ये वाला बस। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, अभी इधर घूमा नहीं बस। और ये देखिए जो मैं अभी आपको चलो ऐप में दिखा रहा था बस 6 नंबर का, वो देखिए ये बस के पीछे वो 6 नंबर की बस आ गई है। अब सबसे पहले फटाफट बस में बैठ जाता हूँ। ये आ गया 5 गार्डन का बस स्टॉप। यहाँ पे 5 गार्डन है और बहुत अच्छे अच्छे गार्डन है, इसलिए इसका नाम भी 5 गार्डन है। Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. इन दिनों ठंड का समय चल रहा है, इसलिए गार्डन में जो एजेड है वो तो आते नहीं है, इसलिए गार्डन में भी ज़्यादा लोग हैं नहीं, भीड़ नहीं है। और बस से इस टाइम में जा रहा हूँ तो बस में भी भीड़ नहीं है जाते टाइम। ये है दादर टीटी और यहाँ पे बहुत बड़ा सर्कल है। ये देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में तो सिग्नल ग्रीन है और अभी थोड़ा आगे एक सिग्नल और है, ये देखिए यहाँ पे रेड है। तो इस तरीके से इस एक सर्कल को क्रॉस करने के लिए 3 सिग्नल को क्रॉस करना पड़ता है। तो ये ग्रीन हुआ, अब हम लोग आगे जा रहे हैं। ये है दादर टीटी का बस स्टॉप और लेफ्ट साइड में देखिए दादर में फायर ब्रिगेड स्टेशन। अब आ गया है सिंधेवाड़ी और यहाँ से बस 2 फ्लाईओवर पे चढ़ेगी, तो वहाँ के कुछ सीन आप देखिए। यहाँ सब फुटपाथ पे देखिए, ये जो येलो और ब्लैक में लगा हुआ है साइड में, उसमें लाइट लगा दिए हैं, तो रात को तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। मैं पहुँच गया लालबाग। शाम के टाइम रोड क्रॉस करना कितना मुश्किल होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी सिग्नल है तो गाड़ियाँ रुकी हैं, सिग्नल जैसे छूटा उसके बाद तो लगातार गाड़ियाँ आती हैं। अब चलता हूँ लाइब्रेरी के अंदर, हो गया बुक रिन्यू। मैं लाइब्रेरी आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है चालू करना, और अब इसे मैं रख सकता हूँ 17 फरवरी तक। राहुल का बुक रिन्यू हो गया है और इसे हम अभी 17 तारीख तक रख सकते हैं, 17 फरवरी तक। और अभी मैं रिटर्न जा रहा हूँ घर, लेकिन जिस साइड से आया हूँ उस साइड से तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि उस साइड से जाते टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, तो 1-2 घंटे लग जाएगा। तो अभी जा रहा हूँ परेल, वहाँ से 14 नंबर की छोटी बस पकड़ूंगा और उससे चला जाऊँगा घर। तो आज के ब्लॉग में बस मैंने आपको दिखाया कि मुंबई में शाम के टाइम कैसे रहते हैं। मुझे लगता है कि जो लोग मुंबई में पहले रहते थे और अभी गाँव में रहते होंगे तो उनको ये सारी चीज़ें देख के अच्छा लगता होगा, या फिर जो लोग मुंबई नहीं आए हैं उनको मुंबई के बारे में जान के थोड़ा अच्छा लगता होगा, तो इसलिए मैंने ये सब दिखाया। और फिर और कुछ तो था नहीं आज के ब्लॉग में, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऐसे ही मुंबई से रिलेटेड ब्लॉग आपको देखना अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।